हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल नैना बुटीक में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं कुर्ते की कटिंग। तो दोस्तों, इस जेंट्स कुर्ते में कितनी फिटिंग रहना चाहिए और कितनी लूजिंग रहना चाहिए, किस हिसाब से हमें कटिंग करें। तो दोस्तों, ये कुर्ता हम जो कटिंग करने वाले हैं, फिटिंग वाला करने वाले हैं, इसमें कितनी लूजिंग छोड़ना है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो दोस्तों हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और आइकन के निशान पर क्लिक करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो कपड़ा लिया है, ये लिया है 3 मीटर। 3 मीटर कपड़े को हमने अपने कुर्ते के लिए लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ पर खोलेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपना कुर्ते का कपड़ा बिछा लिया है। बिछाने के बाद में ये जो हमारी चौड़ाई है वो कितनी आपको रखना है, वो रखना है आपको अपने दामन के हिसाब से या सीने के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पर दामन के हिसाब से लिया है, तो वो इसका दामन है 27 इंच। तो हमने यहाँ रखा है ये 14 इंच। इसका पन्ना जो बिछाया है फोल्ड करके, वो है 14 इंच। अब हमारा दामन है वो है रखा है 27, तो हम यहाँ 13.5 पर निशान लगा देंगे। ठीक है, 13.5 पर निशान लगाने के बाद में इसको यहाँ पर कर लेंगे सीधा इस तरीके से। सीधा करने के बाद में हमारी जो इसकी लंबाई है 40 इंच, तो यहाँ 40 पे हम यहाँ पर निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा आर्मोल आने वाला है, वो आने वाला है 9.5 इंच। तो दोस्तों, हमने यहाँ जो 9.5 इंच लगाया है, ये लगाया है हमने निशान अपने आर्मोल का। उसके बाद में यहाँ पर हम लगा देंगे निशान अपनी लंबाई का। उसके बाद में यहाँ पर जो रहेगा वो रहेगा 2.25 इंच, जो हम टीक गिराएंगे यहाँ से डाउन करेंगे। ये हो गया हमारा आर्मोल। यहाँ पर लिख देंगे आपका जो भी साइज़ हो कॉलर का। उसके बाद में हमें यहाँ पर अपना हाले का निशान लगा देना है 2.5 इंच और 2.5 इंच इस तरह से। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पर जो तीरा है वो है 20 इंच। ठीक है, हमें यहाँ रखना है 21 इंच, क्योंकि हमारा 1 इंच जाने वाला है मार्जिन में, जो हम सिलाई लगाएंगे उसके मार्जिन में जाने वाला है। हमारा यहाँ सीना है वो है 45 में आपको क्या करना है, 45 का आपको लेना है चौथाई। तो यहाँ हो गया 11 इंच 1 सूत, 11 इंच 2 सूत, मतलब 11.25 हो गया। 11.25 यहाँ लगाने के बाद में यहाँ पर हमें 1.5 इंच की लूजिंग छोड़ना है, केवल 1.5 इंच, 1.5 इंच की आपको यहाँ लूजिंग छोड़ना है आपको अगर फिटिंग का चाहिए तो। उसके बाद में यहाँ पर तो आपको 1.5 इंच की लूजिंग सीने पे छोड़ना है, 1.5 इंच की, 1.5 इंच की लूजिंग आपको कमर पे छोड़ना है। ठीक है, जो भी आपका कमर का साइज़ हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी इस वाली फंटी से इस तरह निशान लगा देना है इस तरीके से। अगर आप कमर का नाप ना भी लें और इस फंटी से आप निशान लगा देंगे तो आपका साइज़ वैसे भी सही आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर हमें 3.5 इंच की पीछे को बैक में निशान लगा देना है, जिससे हमारी यहाँ फंटी का निशान आएगा। और ये भी आप ना लगाना चाहें तो इसकी भी मैं आपको तरकीब बताता हूँ। तो यहाँ से आपने इस तरीके से यहाँ फंटी रखना है, इस निशान से और इस निशान से मिला के, इस निशान से यहाँ पर मिला के, और जहाँ हमारा हाले का निशान है और यहाँ जो तीरे का निशान है, यहाँ से मिला के आपको इस तरीके से रख देना है यहाँ लगाना निशान। ये यहाँ पर अपने आप सही बैठ जाएगा, जितना भी आ जाए आपको इस तरीके से राउंड दे देना है और यहाँ पर आप कटिंग कर लेंगे। अब हमें बिछाना है अपनी बैग का कपड़ा। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर अपनी ये बैग वाला पीस बिछा लिया है। इसका भी हमने जो पन्ना रखा है, जो उसे फोल्ड किया है, वो भी 14 इंच किया है, और उसको हमें इस तरीके से सामने को बिछा देना है। यहाँ से मिला के बराबर करके आप बिछा देंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप यहाँ पर इसे बिछा देंगे। और बिछाने के बाद में यहाँ पर
आप निशान लगाएंगे 2.5 इंच। इसको देख लीजिए, यहाँ पर आप 2.5 इंच का निशान लगा देंगे, 2.5 इंच, और यहाँ पर भी इतना ही लगा देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लगाना है 21। अब आपको इस फंटी से यहाँ पर निशान लगा देंगे, इस तरीके से, इस वाले निशान से आपको रखना है, यहाँ मिला लेना है, और फिर आपको यहाँ पर दूसरे निशान पर निशान लगाना है। मतलब दो कौन से निशान हो गए आपके, एक निशान ये सा, एक निशान ये सा। उसके बाद में यहाँ पर आपका ये 1.25 इंच का बीच में गैप आ जाएगा, और उसको आप यहाँ पर अपना हाले का निशान लगाएंगे 2.5 इंच का। जहाँ ये 2.5 इंच है आपका, इस जगह आपको इसको यहाँ से मिलाना है इस तरीके से, और यहाँ पर निशान लगा देना है। आपको अपनी टीक यहाँ डाउन करना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर हमें करीब 1.5 इंच पीछे रखना है यहाँ से, और यहाँ से इस तरीके से निशान लगाएंगे, यहाँ से गोलाई दे देंगे, ठीक है। अब हमें अपनी पॉकेट का निशान लगाना है, तो हमें यहाँ से रखना है 6 इंच, यहाँ से रखना है 6.5 इंच, उसके बाद रखना है आपको यहाँ 3 इंच, ठीक है। यहाँ पर हमें लगा, जेब के मुंह है ये हमारे, और ये नीचे का साइज़ है जो बंद रहेगा, जहाँ से कली बंद रहेगी। अब दोस्तों इसे हम कर लेते हैं कटिंग, यहाँ से इस तरीके से। अब जो हमारे यहाँ पर ये निशान लगे हुए हैं, यहाँ पर हम 1/2 इंच से थोड़ा सारा कट कम लगाएंगे, जो हमारा मार्जिन वगैरह सब आ जाए इस तरीके से। ये यहाँ पर हमने कट लगा दिए इतने, ठीक है, 1/2 इंच के, और इसको हम एक तरफ रख देते हैं। अब हमें आस्तीन कटिंग करना है इसमें। आपको यहाँ लगाना है एक निशान, और निशान लगाने के बाद में यह है आस्तीन कफ वाली, इस कुर्ते में कफ वाली आस्तीन है। अगर आपकी कफ वाली आस्तीन हो तो आप यहाँ पर 1 इंच निकाल दें। तो दोस्तों इसकी जो लंबाई है वो है 23.5 इंच, ठीक है। हमें यहाँ पर निशान लगा देना है। उसके बाद में हमें यहाँ पर जो आर्मोल हमने कुर्ते का अपना रखा था, वो रखा था 9.5 इंच। इसके बाद में हमें यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, जो हमारी सिलाई में जाने वाला है। अब हमें यहाँ पर रखना है निशान 6 इंच का, ठीक है। यहाँ जो कफ वाला है वो 6 इंच का निशान रखना है, और यहाँ से हमें इस तरीके से निशान लगा देना है फंटी से। अब गुनिया से लगा देंगे हम सीधा निशान यहाँ से। आप आइडिया ना चलाएं, यहाँ पर इससे निशान ज़रूर लगा लें, क्योंकि इससे निशान लगाने में हमारी आस्तीन का यहाँ पर घोंच नहीं आती है, और बिल्कुल सीधा आ जाता है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर एक निशान लगाना है अपने यहाँ, जो हमारी जो डाउन होने वाला है, तो वो होने वाला है यहाँ पर 3 इंच, तो हम यहाँ पर लगाएंगे एक निशान अपनी आस्तीन की लंबाई से। उसके बाद में लगाएंगे यहाँ 3 इंच का, ये निशान हो गया। अब हमें यहाँ से इसको डाउन कर देना है इस तरीके से। अब हम कटिंग कर लेते हैं। अब हमारी एक आस्तीन कट चुकी है, अब हमें अपनी दूसरी आस्तीन को काटना है, तो वो हमें कपड़े को बिछाना है इस तरीके से। इस तरीके से आपको यहाँ पर आस्तीन अपनी बिछा देना है, और बिछाने के बाद में इसको सिंपल तरीके से कटिंग कर लेना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसको अपनी आस्तीन को कटिंग कर लिया है। अब हमें यहाँ से 1/4 इंच का गैप देना है, इस चीज़ को अपने सामने में देना है, ठीक है, आस्तीन के इस तरीके यहाँ लगा देंगे कट, जिससे हमें ध्यान रहे कि वो हमारे के सामने में चढ़ने वाला है। और इस तरीके से आप इसको फोल्ड करेंगे, और ये कव वाली आस्तीन है,
इसको फोल्ड करके इस तरीके से यहाँ पर कट लगा देंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है, आप हमें उम्मीद है आप इसे ज़रूर आजमाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। तो दोस्तों आपको हमारे कटिंग करने का तरीका कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कल को कोई भी हम वीडियो करें अपलोड तो आपको समय पर मिल सके। चलिए दोस्तों हम मिलते हैं आपसे कल नई वीडियो नए डिज़ाइन के संग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।